गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम पार्ट 9 सीखो के कठिन शब्द और शब्दार्थ कॉपी में करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग अपनी कॉपी बाहर निकालिए और मेरे साथ साथ वर्क करना शुरू करें। कल हमने कविता पढ़ी थी और समझी थी, आज हम वर्क कर रहे हैं। आप जो भी वर्क करते हैं बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में और बिल्कुल साफ सफाई से लिखें। वर्क बिल्कुल प्रॉपर बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो। आप जब भी लिखते हैं तो उसको सुलेख की तरह लिखें, बिल्कुल साफ सुथरा और सुंदर लिखें। चलिए अब हम वर्क करना शुरू करते हैं। पहले हेडिंग डालिए कठिन शब्द, जिसके नीचे आप वन लाइन लीव करेंगे, एक लाइन खाली छोड़ेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे नंबर 1 फूलों। नंबर 2 पर को हंसना, हं अं, चंद्र बिंदु की आवाज आ रही है, हंसना। जब भी चंद्र बिंदु लगाते हैं तो उसकी जो ध्वनि होती है हमारी नाक से और गले से निकलती है। अगर हम इसको डालेंगे तो क्या बन गया? हंसना। क्या बन गया? हंसना। हम इस पे चंद्रबिंदु लगा देंगे तो हंसना। नंबर 3 पे लिखेंगे आप भौरों, भौरों, रे में ओ की मात्रा और अंग की बिंदी, क्या बना? भौरों। 4 नंबर पे आप लिखेंगे डालियों, डा ली यों, डालियों। नंबर 5 पे आप लिखेंगे शीश, शी यानी बड़ी ई की मात्रा, श शीश। नंबर 6 पे लिखेंगे झुकना, झू झने छोटे ऊ की मात्रा, झू ना झुकना। नंबर 7 पे आप लिखेंगे झोंकों, झों झमे ओ की मात्रा और अंग की बिंदी, अगर अंग की बिंदी डाल देंगे तो झो हो जाएगा, झो, और हम क्या बोल रहे हैं? झो, इसलिए अंग की बिंदी भी आएगी। को अगर बिंदी डाल देंगे तो को, झोंको, झोंको हो जाएगा। अंगी बिंदी लगा देंगे तो अब सही शब्द बनेगा झोंको, झोंको। नंबर 8 पर आप लिखेंगे सूरज, सू हमें बड़ी की मात्रा लगाओ, सू र ज सूरज। नंबर 9 पे आप लिखेंगे किरणों, की ल णों किरणों। नंबर 10 पे लिखेंगे आप पेड़ों, प में ए की मात्रा और ण में ओ की मात्रा और अंग की बिंदी, पेड़ों। नंबर 11 पे आप लिखेंगे दीपक, दी बड़ी की मात्रा, प क, कुछ बच्चे छोटी की मात्रा लगा देते हैं तो वो बन जाता है दीपक। क्या बन जाता है वो? दीपक। सही शब्द क्या है? दीपक। नंबर 12 पे लिखेंगे अंधकार, अन अंग की बिंदी आ गई,
ई ठ वी पृथ्वी। चलिए मेरे साथ भी करिए एक बार। नंबर वन पे फूलों, नंबर टू पर हंसना, नंबर थ्री पर भौरों, नंबर फोर पर डालियों, नंबर फाइव पर शीश, नंबर सिक्स पर झुकना, नंबर सेवन पर झोंकों, नंबर एट पर सूरज, नंबर नाइन पर लिखेंगे आप किरणों, नंबर टेन पर पेड़ों, नंबर इलेवन पर दीपक, नंबर ट्वेल्व पर अंधकार और नंबर थर्टीन पर आपका पृथ्वी। चलिए हमारे हार्ड वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट पेज पर, न्यू पेज पर आप लिखेंगे शब्दार्थ, यानी कि आपके नीचे का स्पेस बच रही है तो आप इसी के नीचे से लिखना शुरू करें, क्योंकि हाफ से ज्यादा पेज आपका फिल हो गया होगा, इसलिए आप नेक्स्ट पेज पर शब्दार्थ का वर्क करेंगे। नंबर वन पे आप लिखिए नित। नित का अर्थ होता है प्रतिदिन, रोजाना। प्रतिदिन कॉमा लगाओ, सिल को रोजाना। नंबर टू पर आप लिखेंगे शीश। शीश का अर्थ होता है सिर। नंबर थ्री पे आप लिखेंगे कोमल, को म ल कोमल। कोमल का अर्थ होता है मुलायम, मू ला य म, क्या बना मुलायम। नंबर फोर पे लिखेंगे आप दीपक, दीपक। दीपक का अर्थ होता है दिया। नंबर फाइव पे आप लिखेंगे अंधकार, अन की मात्रा ध का र अंधकार। अंधकार का अर्थ होता है अंधेरा, अंधेरा अंधेरा। नंबर सिक्स पे लिखिए पृथ्वी, पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ होता है धरती। हमारा आगे लिखेंगे जमीन। ये दोनों पृथ्वी के अर्थ हैं। चलिए एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए वापस से। नित, नित का होता है प्रतिदिन, रोजाना। नंबर टू पर है शीश, शीश का अर्थ होता है सिर। नंबर थ्री पर है कोमल, कोमल का अर्थ होता है मुलायम। नंबर फोर पर है दीपक, दीपक का अर्थ होता है दिया। नंबर फाइव पे है अंधकार, अंधकार मीन्स अंधेरा। पृथ्वी, पृथ्वी मीन्स धरती या जमीन। तो बच्चों आज हमने कठिन शब्द और शब्दार्थ का वर्क कंप्लीट किया है। आपको ये वर्क लर्न भी करना है और कॉपी में भी लिखना है। अब हम कल मौखिक प्रश्नोत्तर का वर्क कंप्लीट करेंगे और उसके बाद लिखित प्रश्नोत्तर का। ओके, थैंक यू।